और जनाब हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं काम धाम के बाद जो हमारे कार में गूंज रही होती है 3 2 1 क्यू। और मैं कहता हूँ तो सारे मिलके पढ़ो 3 2 1। हाँ जी आ जाओ वापस, आगे जी वापस। अच्छा जी हमने अपनी जो है वो बातें कर ली है बकवास किस्म की, और डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि निहायत नफीस पर्सनैलिटी है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। काश मेरी पर्सनैलिटी में कभी इतना ठहराव आ सकता लेकिन मुश्किल है। अच्छा खैर जी आपसे हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, क्योंकि हम जो मेरे भी दिल की आवाज है कि आपने कहा कि लाहौर शहर में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो हेल्थ और वेलनेस जो है उसका बहुत फुकदान है, और उसकी जो फैसिलिटीज हैं जैसे अस्पताल हैं, हम अक्सर अपने शो के तवसत से बताते भी हैं कि रोज के कोई 10,000 के करीब 12,000 के करीब लोग जो है वो अस्पतालों में आते हैं मरीज, और जिस तरह अभी हमने वेंटिलेटर्स का बताया था कि कोई 45 के करीब वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ, और ये बहुत ही एक तो बहुत अफसोसनाक जी सिर्फ वेंटिलेटर्स नहीं, सीटी स्कैन मशीन्स जो हैं, एमआरआईस जो हैं, हत्या के जो आपके सिंपल ब्लड टेस्ट जो होते हैं उनके लिए भी आपको डेली बेसिस पे केमिकल्स चाहिए, वो केमिकल्स अवेलेबल नहीं होते लैब्स में, तो इस वजह से। और बाकी जो मेडिसिन आपका एक फर्ज है कि एज अ स्टेट आप अपने पेशेंट्स को जो आते हैं हॉस्पिटल्स में उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, वो उनको नहीं मिल रही है, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत कॉम्प्रोमाइज है। अभी आप ये देखो कि 2-3 साल हुए PIC में मोर देन 300 पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग कफ सिरप, आज तक वो लोग अकाउंटेबल नहीं ठहराए जा सके, नहीं वो पकड़े ही नहीं गए कौन वो लोग। हमेशा एक वो बनती है क्या कहते हैं बना लेते हैं जनाब तहकीकाती कमीशन बना लेते हैं, और वो तहकीकात होती रहती है और उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं करता, क्योंकि हमारी आवाम जो है वैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है, तो इसलिए जब तक खबरों में रहती है वो बात लोगों को याद रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इस वक्त जैसे कि जो हमारे जो बेसिक मसाइल है वो औरतों की हेल्थ है, जैसे चूंकि मैं खुद एक औरत भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जो औरतों के मसाइल है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा माएं जो है वो हमारे मुल्क में मरती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, और इसी तरह जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का, 5 साल की सालगिरह जो नहीं देख सकते वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, और ये सब वो इश्यूज हैं जो बड़ी छोटी छोटी चीजों से ठीक हो सकते हैं, माओं को अगर प्रॉपर आयरन मिल बहुत जाए, बेसिक इश्यूज हैं बेसिक जिनको एड्रेस करना शायद किसी भी और तरक्याती काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बहुत जरूरी है। बच्चे जो है हमारी तकरीबन 44% आबादी जो है वो स्टंटिंग का शिकार है, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गजा ना मिलने की वजह से उनका हाइट और वेट जो है वो अंडर वेट है, हाइट्स उनकी वो नहीं हो रही। आप देखिए 9-10 के बच्चे इतनी इतनी सी उनकी हाइट है, अगर आप रूरल एरियाज में जाके देख लें, तो ये सब मेल नरिशमेंट है, बच्चों को प्रॉपर जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे, तो ये सारी चीजें जो आई थिंक मच मोर इम्पोर्टेंट देन दीज ऑरेंज ट्रेन्स एंड मेट्रो। जिल्ला करे कि हमारी गवर्नमेंट जो है या जो आने वाली गवर्नमेंट है उनका भी इस तरफ रुझान ज्यादा हो। चलिए हम आपसे एक इंटरेस्टिंग साथ थोड़ा शो में थोड़ी ज्यादा पॉलिटिकल हमने गुफ्तगू शुरू कर दिया, थोड़ी इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। हम आपसे ना एक रैपिड फायर करेंगे और हम आपके सामने कुछ पर्सनैलिटीज का नाम लेंगे, और आपने जो फर्स्ट वर्ड आपके जहन में आएगा वो आपने बोलना है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। चलिए नवाज शरीफ, ही शुड गो नाउ। शहबाज शरीफ, हार्ड वर्किंग मगर करप्ट। मीरा, एंटरटेनर। आसिफ अली जरदारी, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स नाउ। बिलावल भुट्टो जरदारी, लेट्स गिव हिम अ चांस। अच्छा, शाहिद खान आफरीदी, हीरो ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का हीरो है। अच्छा जी, अब मैं आगे कंटिन्यू। ख्वाजा साद रफीक, बोलते बहुत है। बोलते बहुत है। राणा सनाउला, गलत बात करते हैं, गलत बात करते हैं। और डॉक्टर शीरी मिजाज, शी इज अ लर्नड पर्सनैलिटी। ओके, शेख रशीद, ये भी अच्छे लॉजिकल बातें करते हैं। अच्छा, और मरियम औरंगजेब, जस्ट वो अपनी हुकूमत को ही डिफेंड ही करती हैं। अच्छा, ये वैसे पॉलिटिकल खवातीन आपस में जब आप लोग होती है तो आप लोग फ्रेंड्स वगैरह होते हैं? नहीं, उस तरह तो हम लोगों का जाहिर है कि आप जब कुलीग्स होते हो, आप लोग सब बैठते हो, करते हो, तो आप डिस्कस करते हो चीजें, मगर आई थिंक हम लोग सब अपने अपने पार्टी के मौके पे बड़े स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंस नहीं होते एक दूसरे की बातों से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप आई यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो मसाइल थे उनके बारे में भी जान के और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी जान के। जनाब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शो पे आए, और आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जागो लाहौर। अब ये थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और बहुत सारा कुछ शामिल करेंगे अपने शो में।